भारत के जरिए चार अलग अलग देशों में भेजे गए चार राजदूतों ने आकांक्षी जिले में शामिल विदिशा के ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। आज सुबह चारों राजदूत, जिनमें लेबनान में भारत के राजदूत डॉक्टर सोहेल आजाद खान, अर्जेंटीना के राजदूत दिनेश भाटिया, ओमान के राजदूत अमित नारंग और जिम्बाब्वे में भारत के राजदूत विजय खंडूजा, विदिशा के ग्राम सुनपरा पहुंचे, जहां उन्होंने आंगनवाड़ी में चल रही प्रक्रिया का अवलोकन किया। इनके अलावा स्व सहायता समूह के कार्यों को देखा, साथ ही साथ अमृत सरोवर के कार्य का भी अवलोकन किया। उन्होंने यहाँ के ग्रामीणों, स्कूल के छात्राओं सहित अन्य लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि एक दिन पहले भी भोपाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मिले थे और आकांक्षा जिलों को आगे लाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे, इसके बारे में चर्चा की थी। उन्होंने विदिशा के सुनपुरा में आकर यहां की व्यवस्थाओं को अच्छा बताया। इस दौरान विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत सीईओ डॉ. योगेश तुकाराम भरसट मौजूद रहे। विदिशा जिला ब्यूरो, सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। लोग यहां पर आए हैं और मैं भारत का राजदूत लेबनान में हूं, हमारे साथी हैं भारत के राजदूत अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और ओमान में, और आज हम गांव का और विदिशा डिस्ट्रिक्ट का दौरा करने आए हैं और बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं, जो स्कीम चल रही हैं, स्पेशली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की स्कीम है, अमृत सरोवर की स्कीम है, आंगनवाड़ी किस तरह से चलती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे हैं, तो उन सब के बारे में जानकारी लेने आए हैं। और बड़ा अच्छा लगा, और स्पेशली ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ की गाँव की महिलाएँ भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हो रही हैं, एजुकेटेड हैं, और एक सामाजिक उन्नति जो इस गांव की उसमें कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं और अपने लिए भी वो रोज़गार के साधन निर्मित कर रही हैं। तो ओवरऑल वी आर क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द अरेंजमेंट हियर इन दिस पंचायत, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।